देश दुनिया के इतिहास में 1 अप्रैल का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में घोषित करने समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आज ही के दिन 1582 में फ्रांस से फूल्स डे की शुरुआत हुई थी, इस दिन को एक दूसरे के साथ व्यवहारिक मजाक और सामान्य तौर पर मूर्खतापूर्ण हरकतें की जाती हैं। 1982 में आज ही के दिन पोप चार्ल्स ने पुराने कैलेंडर की जगह नया रोमन कैलेंडर शुरू किया था। आज ही के दिन 1621 में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था। 1839 में आज ही के दिन कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1878 में कोलकाता में बने संग्रहालय की नई इमारत को जनता के लिए खोला गया था। 1889 में आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बालीराम हेडगेवार का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1891 में फ्रांस की राजधानी पेरिस और ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीच दूरभाष संपर्क शुरू हुआ था। 1912 में आज ही के दिन दिल्ली को भारत की राजधानी और एक प्रांत के रूप में घोषित किया गया था। आज ही के दिन 1924 में अडोल्फ हिटलर को बियर हॉल क्रांति में भाग लेने के लिए 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। हिटलर केवल 9 महीने तक जेल में रहा था। 1930 में आज ही के दिन भारत में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष की गई थी। आज ही के दिन 1933 में कराची में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। कराची अब पाकिस्तान में है। 1935 में आज ही के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया। इसके लिए अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कानून बनाया था। आज ही के दिन 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। 1937 में आज ही के दिन भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1941 में भारतीय क्रिकेटर अजीत वाडेकर का जन्म हुआ था। 1969 में आज ही के दिन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र के तारापुर क्षेत्र में शुरू हुआ था। आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप नाम की विभाजन रेखा तैयार करने वाले सर सिरिल रेड क्लिप का निधन 1977 में हुआ था। 1973 में आज ही के दिन भारत के कार्बेट नेशनल पार्क में चीताओं को बचाने के लिए टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया था। आज ही के दिन 1976 में दूरदर्शन को रेडियो से अलग कर दूरदर्शन कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। 1976 में आज ही के दिन स्टीव जॉब्स और उनके सहयोगियों ने मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। आज ही के दिन 1997 में मार्टिना हिंगिस ने टेनिस में इतिहास रचा था। मार्टिना ने सबसे कम उम्र की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनने का खिताब हासिल किया था। 2010 में आज ही के दिन पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के युग की शुरुआत करने वाले हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स का निधन हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।